आज मैं बनाने वाली हूँ चौलाई का खट्टे वाला साग। ये दही डाल के बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप पराठे के साथ, चावल के साथ और मक्के की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है करीब 500 ग्राम चौलाई का साग। इसे मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। अब इसे आप एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। और इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बस, जिससे अच्छे से बॉईल हो जाए। अब इसे लिड लगा के करीब 2 या 3 मिसल आने तक प्रेशर कुक कीजिए। जब तक हमारा साग प्रेशर कुक हो रहा है, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए आप गैस पे एक थोड़ा बड़े साइज की कढ़ाई चढ़ाइए। और इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, करीब 2 से 3 चम्मच। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इस स्टेज पे आपको ऐड करना है इसमें करीब 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हो जाए, उसी स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दीजिए चॉप किया हुआ 2 प्याज, साथ ही में 1-2 हरी मिर्च भी ऐड कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा सॉटे कीजिए। जैसे ही प्याज में हल्का पिंक कलर आए, उसी स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। जैसे ही ये मिक्सचर गोल्डन ब्राउन होने लगे, इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहां मैंने लिया है स्वाद के अनुसार नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीजें डालिए, हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा फ्राई कीजिए। अब इसमें ऐड करने हैं 2 चॉप किए हुए टमाटर। अब इन सबको अच्छे से भूनिए। और करीब 1 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए, जब तक कि मसाले तेल रिलीज नहीं कर देते। अब 1 मिनट बाद इसका लिड खोल के चेक कीजिए। देखिए, मसालों ने तेल रिलीज कर दिया है, इसका मतलब अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हमने क्या किया, वो जो बॉईल किया हुआ साग था, वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसे कवर करके करीब 5 मिनट के लिए पकने दीजिए।
तब तक हम इसका दूसरा इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है करीब 500 ग्राम दही, ये घर का दही है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है करीब 2 चम्मच गेहूं का आटा, इसी से ही इस साग का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इसकी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब कवर हटाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अब जो हमने दही और आटे का मिक्सचर रेडी किया था ना, वो इसमें ऐड करना है। अब ये मिक्सचर इसमें पूरा ऐड कर दीजिए और करीब तब तक इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। इसको चलाते रहिए, अगर आप छोड़ देंगे तो आपका दही जो है वो फट जाएगा और साग का टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा है, इसका मतलब आपका साग बनके रेडी है। थोड़ा सा इसमें और करछी चलाते रहिए, अच्छे से इसको बॉयल होने दीजिए। अब इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, इससे आपके साग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। लीजिए आपका साग रेडी है। आप इसे मक्के की रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। मैंने चावल और पराठे के साथ सर्व किया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।